हाली में उर्दू खैयातारी के सर के साथ खैयातारी का आपके संकल्प और साथ साथ मेरे प्यारे और उसके बच्चों, आज मैं आपको जो मजबूत लगा रही हूँ उसका उन्होंने साफ़ सुथरा माहौल, ठीक है, साफ़ सुथरा माहौल। और आपको जो पॉइंट दिए गए हैं आप 2024 के सिलेबस के मुताबिक आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे, तो वो दो पॉइंट्स ये हैं, साफ़ सुथरा माहौल की अहमियत और सेहत पर आलूगी के असर। दूसरा पॉइंट है अपने इलाके को साफ रखने की तजावीज़। आपको तजावीज देनी है कि आप अपने माहौल को किस तरह साफ करें, ठीक है। एक शेर है आप लोगों के लिए हाजिर खिदमत है, साफ सुथरा माहौल जब हम अपनाते हैं, साफ सुथरा माहौल जब हम अपनाते हैं, जिंदगी को खूबसूरत पुरकैफ बनाते हैं। आधे ईमान का हिस्सा है सफाई, आधे ईमान का हिस्सा है सफाई, जाहिर व बातिन को साफ करते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल हकीकत है, सेहत के लिए सफाई ज़रूरी है और सफाई ईमान है, ईमान का हमारा आधा हिस्सा है और ये इस्लाम का एक बहुत बड़ी एक नेमत है कि इस्लाम ने सफाई को एक जुज करार दिया है, ईमान का एक हिस्सा करार दिया है, ठीक है। तो पहले पॉइंट पर सबसे पहले तो आप वाजे करो कि मैं आपको उनसे अक्सर कहती हूँ कि उन्वान को वाजे करो। उन्वान क्या है? साफ सुथरा माहौल क्या होता है? आसपास की जो चीज़ें होती हैं, आसपास की जो जगहें होती हैं, वही माहौल होता है ना, वही हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उसे ही हम माहौल कहते हैं। तो इर्द गिर्द की जगहें साफ सुथरी हों तो उसे हम कहते हैं साफ सुथरा माहौल, ठीक है। ये उन्वान वाजे हो गया। फिर आप इस पॉइंट को वाजे करेंगे कि साफ़ सुथरा माहौल की अहमियत और सेहत पर आलूगी के असर। साफ माहौल की हमारी जिंदगियों में बच्चों वही अहमियत होती है जिस तरह एक परहेजगार इंसान होता है ना, उसके दिल में ईमान भी होती है, तो साफ़ सुथरे माहौल की भी अहमियत इसी तरह है। हदीस है सफाई मिस्क ईमान है, यानी हमारे ईमान का आधा हिस्सा जो है वो सफाई है। कहते हैं कि अगर साफ़ सुथरा माहौल होता है तो हमारा जहन भी हमारे जहन में भी मनफी ख्यालात नहीं आते, हमारे जहन में मुस्बत ख्यालात आते हैं, हम अच्छा सोचते हैं। अच्छा माहौल, अच्छी सोच, अच्छी सेहत, ठीक है। तो ये है साफ़ सुथरे माहौल की अहमियत कि आसपास का माहौल अगर साफ सुथरा होगा तो हमारी सोचें मजबूत होगी, सोचें अच्छी होंगी, अच्छे ख्यालात होंगे, अच्छी सेहत होगी, तो मुआशरा भी हमारा जो होगा वो बुराइयों का शिकार नहीं होगा, बदअमनी का शिकार नहीं होगा, पुरअमन होगा। और अच्छी सोचों के तहत हम अपने माशरे को जो है वो अच्छाइयों की तरफ लेकर आते हैं और अच्छा माशरा होगा, अच्छी ज़िंदगी होगी, ना सिर्फ हमारी बल्कि आसपास के लोगों की। तो ये है साफ़ सुथरे माहौल की अहमियत और हमेशा हमारा दिल जो होगा वो खुश होगा, गुल गुलजार होगा, बाग बाग होगा अगर आसपास का माहौल अच्छा होगा ज़िंदगियों में जो है खुशियाँ होंगी। तो जाहिर है एक फर्द अगर खुश होगा तो अफराद खुश होंगे तो हमारा इलाका खुश होगा, इलाका खुश, पूरा माशरा खुश, और सब खुश खुश काम करेंगे तो जाहिर है फिर हर तरफ जो है वो हर तरफ खुशहाली होगी और अमन कायम होगा और बदहाली का दूर दूर तक शायबा तक नहीं होगा, ठीक
ठीक है, तो ये अहमियत है एक साफ़ सुथरे माँ, अच्छा माँ हो ज़िंदगी भी खुशगवार, ज़िंदगी भी खुश है, ठीक है। सेहत पर आलूदगी के असरात, इसको भी डिफ़ाइन करना होगा। हमारी सेहत पर माहौल का बड़ा अच्छा असर होता है, और अगर आसपास गंदगी होगी, आलूदगी होगी, तो ज़ाहिर है हम बीमार होंगे, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होंगे। साफ़ सुथरा माहौल होगा तो बीमारियाँ भी नहीं होंगी। अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की हम आलूदगी का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो फ़ज़ाई आलूदगी हो, चाहे वो ज़मीनी आलूदगी हो, चाहे वो आबी आलूदगी हो, हर जगह गंदगी का हम शिकार हो रहे हैं। इसी वजह से हम ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जिसके नाम तक हमने कभी नहीं सुने थे, ठीक है। ऐसे ऐसे इन्फेक्शन्स हो जाते हैं कि चंद लम्हों में बंदा जो होता है वो चटपट ख़त्म, ठीक है। तो इसके लिए हमें आलूदगी का खात्मा करना होगा, और आलूदगी के लिए हमें फ़िज़ाई जो हम आलूदगी कर रहे हैं इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी कि धुआँ हमारे दुनिया में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, इसकी जो मिकदार है उसको हम कम से कम करते चले जाएँ, ठीक है ना। धुएँ की वजह से ही फ़ज़ाई आलूदगी हो रही है, और ओज़ोन की लेयर जो हो रही है वो पतली से पतली होती चली जा रही है। अब आप सोच लीजिए, पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी, अब इतनी गर्मी हो रही है, शदीद तरीन गर्मी हो रही है, क्योंकि डायरेक्ट रेस हमारे हमसे टकरा रही है, ठीक है। दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी वजह ये है कि फैक्ट्रियों रियों के धुएँ, केमिकल से भरे हुए धुएँ, गाड़ियों के धुएँ, ये हमारी फ़िज़ा को आलूदा करते हैं, ठीक है। इससे जो लेयर होती है आसमान पर ओज़ोन की, वो पतली से पतली होती चली जाए, डैमेज करते हैं, ठीक है। फिर आबी आलूदगी को आप देख लीजिए, हम सारा जो फैक्ट्रियों का केमिकल होता है, गंदगी होती है, गलाजत होती है, वो सारा का सारा हम समंदर के अंदर डालते हैं, ठीक है। और ये आजकल जो बला हम कह सकते हैं, ये शॉपर्स जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ये हमारी आबी मखलूक के लिए जहर का काम कर रहे हैं। अक्सर उनकी सांसें घुट जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, वो उसे खाने के चक्कर में मौत का सबब बन रहे हैं, ठीक है। और केमिकल्स हमारे पूरे जो समंदर का पानी है उसको गलीज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, बहुत ही मुज़र है ये हमारी आबी मखलूक के लिए। जब आबी मखलूक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो ज़ाहिर है हमारे लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। हम वही मछलियाँ खाएंगे, हमारे अंदर कितनी सारी बीमारियाँ पैदा होंगी, ठीक है। फिर आ जाइए ज़मीनी आलूदगी। ज़मीनी आलूदगी में भी हम अगर जो केमिकल वाले पौधे उगा रहे हैं, सब्जियाँ उगा रहे हैं, वही हम खा रहे हैं, तो उससे भी तो हमें नुकसान पहुँच रहा है। ना सिर्फ हमें नुकसान पहुँच रहा है बल्कि हम इस काबिल ही नहीं हो रहे कि कुछ आगे बढ़ सकें, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर, हमारे अंदर स्टेमिना नहीं, क्योंकि हम केमिकल ज़्यादा केमिकल वाली फूड खा रहे हैं, ठीक है। और ज़मीन को गंदा कर रहे हैं, हर तरफ आप देखते हो गटर लाइन उबल रही है, ठीक है। कहीं हमने कोई जो हम एक उसूल बनाया हुआ था हमारे ज़माने में, ये होता था कि जब भी कोई नया घर बनाता था, मैं अपने ज़माने की बात कर रही हूँ, तो एक नीम का दरख्त लगा देते थे, ठीक है। उससे माहौल जो होता था वो बहुत ही पुरफ़ा हो जाया करता था, साफ़ सुथरा हो जाया करता। नीम के दरख्त में ये ताकत है, ये तासीर है कि वो जो भी बीमारियाँ होती हैं, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो उसको
मारने की सलाहियत है, उसकी छाँव में ठंडक की तासीर है। नीम के दरख्त, नीम के पत्तों में बीमारियों से निमटने की तासीर है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने छोड़ दिया है, दरख्त हम नहीं लगा रहे, जिससे हमारे माहौल जो है वो आलूदा से आलूदा कर होता चला जाए। सफाई सुथराई का अगर ख्याल रखेंगे तो कभी भी हम बीमारियों में मुबतला नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा आखिरी पॉइंट, अपने इलाके को साफ रखने की तजावीज़। अपने इलाके को साफ रखने की तजावीज़ बहुत सारी है। अपना ख्याल, अपने घर का ख्याल रख रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, बाहर कचरा क्यों कर रहे हैं भाई, ये मुल्क भी तो आपका है, ये शहर भी तो आपका है। उसे समेटें, उसे एक जगह रखें, और फिर जब कोई म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ी आ रही है तो उठा कर ले जाए। हम अपना घर तो साफ कर लेते हैं, बाहर कचरा फेंक देते हैं, जिससे हमारा शहर गंदगी का शिकार हो रहा है। हमें, हम सब इस पूरे शहर को अपना घर समझें, तभी हम अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें, ठीक है। अच्छा, अपने इलाके को, अब मैंने आपको तजवीज़ बता दी कि अपने घर की तरह अपने इलाके को भी समझो, उसे गंदगी का ढेर ना बनाओ। इसके अलावा पौधे लगाने की हैबिट अपनाएं, ये आदत अपनाइए। अपने इलाके में जहाँ जगह है खाली, वहाँ लगाइए कोई ना कोई दरख्त, कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई फुलवारी, ठीक है। जहाँ देखें जगह खाली, उसमें लगा दें कोई ना कोई फुलवारी। तो देखिए, पूरा घर जो है, पूरा शहर जो है, एक गुलशन की तरह हो जाएगा, एक बाग की तरह हो जाएगा। एक बाग में पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, हमें ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन दे देते हैं, है ना। तो वो सारे के सारा आपका, आपके फेफड़े सेहतमंद हो जाएंगे और तरोताज़ा हो जाएंगे, और आपके अंदर एक नई ताकत आ जाएगी, नई क़ुव्वत आ जाएगी, और अच्छे अच्छे काम करेंगे अपने लिए भी और माशरे के। एक ही एक तजवीज़ है, गलत हो पाएगी, जहाँ जगह नज़र आ रही है खाली, वहाँ लगा दीजिए एक फुलवार, ठीक है। ये हो गया आपके इलाके को साफ रखने की तजावीज़। हाँ, जहाँ देखते हैं गटर उभर रहे हैं और पानी खारिज हो रहा है, जो सड़कों को डैमेज कर रहे हैं, फौरन महकमे में जाइए, एक टीम बनाइए अपने इलाके की, और उस महकमे में जाकर पीछे पड़ जाइए कि हमारे इलाके की इस रोड को ठीक कीजिए, गटर लाइन को ठीक कीजिए, ताकि वो इलाका आपका ठीक हो जाए, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि सड़कें, नई सड़कें बन जाती हैं, फौरन आ जाते हैं खुदाई करने वाले के, हमें ये फला काम करना है, तो उनको ये बावर किया जाए कि तुम्हें इतने दिन में ये चीज़ ठीक कर लेनी है, तब हम इजाज़त देते हैं, और अगर नहीं ठीक किया तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे और हम ऊपर तक जाएंगे, हम सदर और वज़ीर आज़म तक तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, वो डिसमिस करेंगे। ये एक पावर होनी चाहिए इलाके के वकीलों की। दूसरी बात ये कि एक तजवीज़ ये भी है कि बच्चे जो मोहल्ले में जगह जगह क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मैदान बनाना चाहिए, जहाँ उनको खेलने की सहूलतें पहुँचानी चाहिए, ठीक है। तो सिस्टमेटिक काम होगा, बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में खेलें, और हर जगह फूल पौधे उगे हुए हों, दरख्त हों, हर घर के सामने एक दरख्त लगाया जाए, और लोग अपना काम वक्त पर करें, इससे हर चीज़ जो है वो खुद बहुत सही होती चली जाएगी, माहौल भी साफ सुथरा हो जाएगा, और आपस की जो दूरियाँ हैं वो भी गुर्बत में बदलेंगी, दिल भी साफ सुथरा हो जाएगा, और हमारा माशरा एक खूबसूरत माशरा बन जाएगा।
उम्मीद करती हूँ आपको साफ सुथरा माहौल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये श्लोक दोबारा पढ़ देती हूँ। साफ सुथरा माहौल जब हम अपनाते हैं, जिंदगी खूबसूरत पुरकैद बनाते हैं। आधे ईमान का हिस्सा है सफाई, जाहिर व बातिन को साफ करते हैं। बिल्कुल हकीकत है, अगर आप साफ सुथरे रहेंगे, आपका इलाका साफ सुथरा रहेगा, तो आपका दिल भी पाकीज़ा होगा। जब दिल पाकीज़ा होगा तो सब कुछ पाकीज़ा होगा। इसके साथ ही रुकैया तारीख को इजाज़त दीजिए। जिंदगी नहीं तो फिर मिलेंगे। आप